भाई रिसेंटली मैं अपने मल्टीमीटर से एक सर्किट को टेस्ट कर रहा था, लेकिन अचानक ही उसमें कुछ खराबी आ गई। ना तो वोल्टेज ठीक से बता रहा था और ना ही कंटिन्यूटी। तो फिर क्या था, मैंने नए मल्टीमीटर के लिए तलाश स्टार्ट कर दी और कुछ मेहनत और रिसर्च के बाद मुझे एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मल्टीमीटर देखने को मिला, जो था एक वेट्स का स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। और भाई सच बताऊं तो इसकी डिलीवरी भी मेरे पास बहुत ही जल्दी आ गई थी। तो यार यहां पर मैंने अपने बॉक्स को ओपन कर लिया है, लेकिन उसके अंदर भी मुझे एक पाउच से देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमारा मल्टीमीटर है। तो ये पाउच जो है भाई काफी हार्ड मटेरियल से बना हुआ है और यार देखने में तो भाई लग ही लाजवाब रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने पाउच को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही मुझे मेरा सारा मटेरियल इसमें दिख जाता है, जहाँ पर सबसे पहले मुझे मिलता है इसका यूजर गाइड। भाई साहब इसके यूजर गाइड में तो काफी सारे पन्ने हैं, तो हम इसे साइड में रख देते हैं, हमारा इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अटैचमेंट्स में यहाँ पर कुछ प्रोब्स मिल जाती है, जैसे कि हमारे टेम्परेचर सेंस करने के लिए अलग प्रोब दी हुई है और सिंपल टेस्टिंग के लिए अलग प्रोब्स दी हुई है। और प्रोब्स की क्वालिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एकदम खतरनाक वाली क्वालिटी यहाँ पर दी हुई है। इसके टिप पर एक कवर भी दिया है, जिसे हटाकर आप इसकी जो पॉइंट है उनको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और इसे लगाकर उसे छोटा बना सकते हैं। तो भाई प्रोब्स में भी काफी अच्छे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। अब बारी आती है हमारे मल्टीमीटर की। तो यार हमारा मल्टीमीटर कुछ इस टाइप से दिखता है जैसे हमारा कोई स्मार्टफोन हो, और उसी के साथ साथ इस पे एक हार्ड रबर का कवर भी चढ़ा हुआ है जो कि इसकी मजबूती को डबल कर देता है। और फंक्शंस की तो पूछो ही मत, भर भर के फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें टॉर्च लाइट है, एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी डिटेक्टर है। तो अभी ये ऑन नहीं होने वाला है, इसमें लगेगी बैटरी। तो सबसे पहले मैं इसके कवर को हटा लेता हूँ। कवर को हटाने के बाद इसके पीछे की स्क्रू दिखेगा, जिसे आपको खोल के इसके बैक पैनल को हटा लेना है। और बैक पैनल को हटाते ही आपको तीन स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप स्मॉल साइज की बैटरी को इसमें लगा सकते। बैटरी इसके साथ नहीं मिलती है, वो आपको सेपरेटली लगानी पड़ेगी। और बैटरी लगाने के बाद आप सेफली उस पैनल को क्लोज करके अपने कवर को इजीली यहाँ पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर एकदम रेडी टू यूज है। तो आपको ये पावर वाला बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा और हमारा मल्टीमीटर ऑन हो जाएगा। और ऑन होते ही है आपको एकदम स्मार्टफोन वाली फीलिंग देने वाला है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है वो एकदम से डिजिटल है। तो इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी प्रोब हमें लगानी होगी, क्योंकि वहीं से तो सारा डेटा इसके अंदर जाएगा। तो चलिए प्रोब्स को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसे यूज कैसे करना है, तो आप इसके बीच में एक बटन देख रहे होंगे जो कि ऑटो फंक्शन करके इस पे कुछ लिखा है, और ऊपर की तरफ आप एक जो है सेमी सर्कल सा देख रहे होंगे, जिसके अंदर आपको एक निडल टाइप की भी देखने को मिलेगी। और जैसे ही आप इसके ऑटो फंक्शन वाले बटन को प्रेस करेंगे, ये निडल जो है अलग अलग फंक्शन पर जाती रहेगी, और जोन से फंक्शन का आपको टेस्ट करना है आप उसे इस पर रोक सकते। जैसे सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मुझे इसे वी वाले इस वाले ऑप्शन पर जो है लाना है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसकी रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसे कितनी रेंज में मेजर करना चाहते हैं। तो डीसी वोल्टेज बताने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए कुछ डिफरेंट बैटरीज, जिनके वोल्टेजेस मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। वोल्टेजेस तो काफी एक्यूरेटली इसने हमें बताए। अब मैं इसके कुछ और फंक्शंस आपको दिखाता हूँ, जैसे रेजिस्टेंस। तो फिर से मैं ऑटो फंक्शन वाला बटन दबाता हूँ और इसकी जो निडल है वो ओहम यानी कि रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन पर चली जाती है। और ये मेरे कुछ डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंस हैं, जिन्हें मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसके रेजिस्टेंस मीटर ने भी भाई काफी स्मूथली वर्क किया है। और अब यहाँ पर और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, जैसे कंटिन्यूटी, आप इससे कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकता। और सबसे कमाल का फंक्शन लगा मुझे इसका टेम्परेचर वाला। तो चलिए टेम्परेचर वाली प्रोब्स में इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और आपको टेम्परेचर इसका दिखा देता हूँ। टेम्परेचर काफी सेंसिटिव है, जैसे ही मैं अपनी गैस टॉर्च इस पर लगाता हूँ भाई एकदम से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे डाउन होने लगता है। तो यार काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर मेजर करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आप इसे यूज में ले सकते हो भाई, एकदम पैसा वसूल मटेरियल है। यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एनसीवी लाइव का, जिसपे आप यहाँ पर अपने निडल को ले जाकर नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से एसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो जैसे ही मैं इसे एसी वायर के पास लेके जाता हूँ, उसमें लाइट जलती है, साथ ही साथ इसका बजर भी बीप करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें और भी काफी फंक्शंस हैं जो कि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो यार उसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो आपको जल्द मिलेगी। और ओवरऑल मैं बात करूं तो भाई ये सभी मल्टीमीटर्स का बाप है, इसमें सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ ये एक स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। अब मैं इसे बता देता हूं आपको परचेज
परचेज कैसे करना है? तो परचेज करना सिंपल, बेहद ही आसान है। सिंपली जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस पर। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।